गोचे दामन में जब मैं आदाद शुमार पढ़ता हूं तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। क्या फिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मुझे जिला बता दो, कोचा दामन हो या किशनगंज हो, जहां 30% लोगों के पास टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, स्कूटर नहीं है, लैपटॉप इंटरनेट के साथ नहीं है, लैपटॉप बगैर इंटरनेट के नहीं है, घर नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, गाड़ी नहीं है, अरे फिर कौन सा विकास की तुम बात कर रहे हो? कौन से विकास की तुम बात कर रहे हो? विकास तो यह है कि गरीब के पास ये तमाम सहूलतें हो। विकास का यह मतलब नहीं है कि तुम हमारा वोट लो और हमारी लाशों पर अपने महलों को तामीर करते जाओ। ये नहीं हो सकता मेरे जीज दोस्तों। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, पोलिंग बूथ को जाकर जहां पर पतंग का निशान दिखेगा उस बटन को दबाना। जिस लुगा को आप जिस नाम से जानते पुकार कर कहिए कि जिन्होंने 70 साल तक हमको दबाया, आज हम उनको दबा रहे और इंसान ये वक्त दबाने का आया है मेरे दोस्तों, ये वक्त दबाने का आया है, ये वक्त डरने का नहीं है। लालू को दबाना, पतंग को दबाना, नीतीश को दबाना, पतंग को दबाना, अख्तरुल ईमान को उठाना, इनको दबाना, इंशाल्लाह ये काम आपको करना। हाँ आप बहुत है, बहुत बातें हैं भाई, हम इतना बोलेंगे कि रिकॉर्डिंग करने में तुमको दुश्वारी हो, मगर एक बात का वादा करना, 5 नवंबर को वोट भी डालना, जरा मेरी तकरीर को व्हाट्सएप पे भिजाना जरा। ये ले सुन, ये भड़काऊ भाषण आया, ये नया भड़काऊ भाषण है, ये न्यू हेट स्पीच है, ये शैतान बोल रहा है, देखो ये दरिंदा बोल रहा है, देखो भिजाएंगे ना, समझे मैं क्या बोल रहा हूं। अकलमंद को इशारा काफी है, मैं किसी को शैतान नहीं बोल रहा हूं, ना दरिंदा बोल रहा हूं, ना क्या बोले थे नरभक्षी, क्या है, हाँ वो भी मैं हूं, मैं किसी को नहीं बोल रहा, अपने आप को बोल रहा हूं। केस बुक करते मेरे पे नहीं, बुक कर सकते तो आप व्हाट्सएप पे भी जाना, देखो ये नया शैतान का वीडियो आया, ये नया दरिंदे का वीडियो आया, भी जाना फैलाना, नहीं तो बोलेंगे केस बुक कर लेंगे, केस नहीं बुक होता, इंशाल्लाह होता। थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है, हम भी जानते हैं कि कैसे कानून का इस्तेमाल होता है, मगर हम कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होने नहीं देंगे। मैं हमारे भाई ने भी बात कही, मासूम साहब ने, वो जज्बात में आ गए, मगर हम इंशाअल्लाह ताला किसी के खिलाफ, किसी ओहदेदार के खिलाफ कोई चीज नहीं कहेंगे। जो कोड ऑफ कंडक्ट है हम उसको फॉलो करेंगे, जो जमहूरी हक हमको हासिल है वो हक ये है कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी तनकीद कर सकते हैं, और अब मैं करने जा रहा हूं इंशाअल्लाह। आपके बिहार इलेक्शन में प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने कहा कि क्या मान से कब तक लड़ेंगे मित्रों, मुसलमान हिंदू से कब तक लड़ेगा मित्रों, गरीबी से लड़ो, अच्छी बात है। मिस्टर मोदी सीमांचल के गयूर आवाम जिसमें तमाम मजाहिब के लोग हैं, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो आप हिंदू और मुसलमान को गुर्बत से लड़ने की बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मगर प्रॉब्लम यह है मिस्टर मोदी, क्या आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में खड़े होकर यह नहीं कहा था कि हमको पावर मिला 1200 साल की गुलामी के बाद? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बहसियत गयूर मुसलमान के, कि क्या हिंदुस्तान में अगर 1000 साल जहाबानी हुकमरानी मुसलमानों ने की तो क्या वो गुलामी थी? क्या वो गुलामी नहीं थी? ये शेर शाह सूरी की भी सरजमी है, तो क्या शेर शाह की इकतदार में क्या वो गुलामी थी? ये आपको फैसला करना, ये आपको फैसला करना है। मैं नहीं मानता गुलामी थी, गुलामी अंग्रेजों की 200 साल की थी वो गुलामी, जिसको भगाया हमने, बिहार की सरजमीन मेदरीज ब्रादरान ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया, मगर हमारे प्रधानमंत्री बोलते 1200 साल की गुलामी के बाद।
कल हमारे प्रधानमंत्री बोले चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में, आप बैठ जाओ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में बोले प्रधानमंत्री के सरदार प्रकाश सिंह बादल नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला एक नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर थे जो 27 साल जेल में रहे। नेल्सन मंडेला, मैं सलाम करता हूं नेल्सन मंडेला की कुर्बानी को, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने वहां के अफ्रीकी अवाम के हकूक की लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला का खिताब दे दिया, मगर यही सरदार प्रकाश सिंह बादल उस वक्त की सदर जमहूरिया के पास गए और जाकर कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर बैन सिंह को मारने वाले रजोना के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जाकर सदर जमहूरिया से कहा कि रजोना को फांसी मत दीजिए, उसको लाइफ कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर असदुद्दीन ने याकूब के बारे में कहा तो असदुद्दीन दहशतगर्द है, असदुद्दीन ने अगर याकूब के बारे में कहा तो पुकार पुकार कर बीजेपी तमाम कांग्रेस आरजेडी जेडीयू के लोग तनखीद के खामोश बैठ गए। बताओ ये कौन सा इंसाफ है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर पंजाब के ही साबिका चीफ मार्शल के लिए जाकर कहता है कि इसको फांसी मत दो, और मैं याकूब से कहता हूं कि तुम्हारे पास अगर इंसाफ कर सकते तो इंसाफ, मगर हम बुरे हो जाते हैं, हम खराब हो जाते हैं। मगर क्या हुआ, दुनिया ने देखा, याकूब को फांसी हुई। जब उसका नमाज जनाजा में 35,000 लोग आ गए मित्रों, 35,000 लोग आए, 35,000 लोग आए, बताओ क्या पैगाम गया वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों, आज आइए तस्वीर साहब, आइए, किशनगंज के उम्मीदवार आ चुके हैं, वालेकुम सलाम, इनको भी इंशाल्लाह एमएलए बनाना है, ये भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला अख्तरुल ईमान के साथ और जाकर सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ना इंसाफी का खात्मे के लिए आज हमारे मुल्क में, ये मेरे अल्फाज नहीं है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती सईद साहब कह रहे कि ये जो खौफ और हेट्रेड का मामला है, दहशत का मामला है, मुल्क के लिए ठीक नहीं। यहां पर बीजेपी के एक और मोदी ने कह दिया कि बिहार में इंसानों की बात करो, तरक्की की बात करो, गरीब की बात करो, नौजवान की बात करो, तो नहीं गोश्त की बात करेंगे, गोश्त की बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने दादरी के वाकये को उड़ा दिया, एक लफ्ज नहीं कहा, एक भी लफ्ज नहीं कहा। मैं दादरी गया था, वो अखलाक के खानदान वालों से मुलाकात किया, अफसोस हुआ मुझे कि ऐसी दरिंदगी भी की जा सकती है। मगर जो लोग स्वच्छ इंडिया की बात कर रहे थे, जो लोग गवर्नेंस की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, अचानक आज गोश्त की बात कर रहे। मैं जब यहां पर किशनगंज को आ रहा था दिल्ली से, तो रास्ते में एक अखबार पढ़ा, अखबार में क्या लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री शौचालय की बात करते हैं, करते हैं ना, शौचालय बनाओ, टॉयलेट बनाओ, उर्दू में बैतुल खला बोलते, वो बनाओ। तो अखबार में लिखा दादरी के वाकये को लेकर, मैं नहीं बोल रहा हूं वरना मेरे पे केस बुक कर देंगे 153। अखबार में लिखा, अखबार वाले को पूछो, उसमें लिखा कि अगर कल के दिन ये दादरी जैसे वाकयात होते रहेंगे तो जो कोई भी बैतुल खला को जाएगा, शौचालय को जाएगा, वहां पर एक मशीन लगा दी जाएगी कि जो भी अखराज होगा अगर उसमें गोश्त का मामला आएगा तो 100 वाट का उस पर शॉट लगेगा नीचे से। ये भी हो सकता है, नहीं मालूम,
इंसानों की जान की अहमियत नहीं है ना, जानवरों की अहमियत है। सीमांचल की पसमानदगी की बात करो, नहीं करेंगे। सीमांचल के नौजवानों के मुस्तकबिल की बात करो, नहीं करेंगे। मगर हमारे प्रधानमंत्री बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। कहां का डिजिटल इंडिया? यहां पीने का पानी नहीं है, बताओ आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये नाइंसाफियों के खात्मे के लिए आपको अपने सियासी आवाज को मजबूत करना है, एक मरकज सियासी को मजबूत करना है। और मरकज सियासी कैसे मजबूत होगा? जब आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। आपने बहुत वोट डाल दिया इन लोगों को, आपने बहुत को मौका दिया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप मजलिस को एक मर्तबा मौका दीजिए, आप मजलिस को मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला माजी में जिस तरह ले आपके वोट को लेकर आपका इस्तेसाल किया गया, आपके जज्बात की धज्जियां उड़ा दी गई, आपके ख्वाबों को चुकना चूर किया गया, मैं इतना तो आपसे वादा कर सकता हूं कि हम आपके लिए लड़ेंगे। बिहार के असेंबली में सीमांचल की आवाम की आवाज उठेगी और इंसाफ की लड़ाई होगी। इंसाफ आपको मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत बड़ी तादाद में आपको निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 60-65% पोलिंग से काम नहीं चलने वाला है मेरे अजीज दोस्तों, 90% पोलिंग होनी चाहिए आप लोगों की। और अगर हो सके तो सेंचुरी भी मारिए, 100 रन। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराओ, हम इस बात को मानते हैं कि आरएसएस आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है। मैं मानता हूं इस बात को कि आरएसएस आरक्षण को खत्म करेगी। जो आरएसएस बोलती है वो बीजेपी को करना पड़ता है, क्योंकि आरएसएस इनकी माई बाप है, आरएसएस इनकी असली ताकत है। जो आरएसएस बोलेगी इनको करना पड़ेगा। आरक्षण को अगर बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है, तो आपको अपनी जमात को कामयाब करना पड़ेगा। मजलिस को उम्मीदवार को कामयाब करिए। आरएसएस को अगर शिकस्त देना है तो मजलिस पार्टी को वोट दीजिए। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को अगर बचाना है तो मजलिस पार्टी को वोट दीजिए। सेकुलरिज्म के नाम पर हमको ठगा गया, सेकुलरिज्म के नाम पर हमको लूटा गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब सेकुलरिज्म का कूली मैं नहीं हूं। सेकुलरिज्म के कूली हिंदुस्तान की अखिलियत नहीं है, सेकुलरिज्म की कूली हिंदुस्तान का दलित नहीं है। सेकुलरिज्म ये ऐसा बोझ है जो हर हिंदुस्तानी को उठाना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का बोझ हम उठाते आए और इख्तदार इन तमाम बड़े बड़े लोगों को देते आए। अब इन बड़े बड़े लोगों को नीचे आना पड़ेगा और कमजोर तबका खोदना पड़ेगा जिसमें मुसलमान दलित भी शामिल। और मजलिस पार्टी ये चाहती है कि आप तमाम आए, मुत्तहिद हो जाए और अपने तमाम जात बरादरी अपनी जगह पर है। मगर इसको याद रखिए कि ऐसा ना हो कि यहां हमारे इख्तलाफात का फायदा कोई अख्तियार उठाकर लेकर जाए, हमारे इख्तलाफात का फायदा कोई अख्तियार उठाकर लेकर जाए। एक हो जाइए, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले। हम ये बीजेपी, आरएसएस, ये तमाम पार्टियों से डरने वाले नहीं है। ये बहुत हो चुका, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर सकते कुछ भी। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे बाप का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मेरा है। हम हिंदुस्तान से जितना मोहब्बत यहां का मुसलमान करता है, शायद ही कोई करता होगा। जब मुसलमान इस मुल्क में पैदा हुए, माने इस मुल्क में सरजमीन पर पैदा हुए तो हम शहरी हैं, मगर हम इस मुल्क में मुस्लिम इंडियन बाई चॉइस की, कि हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। हमने कहा जिना नहीं गाएंगे, जिना के पैगाम को नहीं गाएंगे। ये हमारी सरजमीन है, ये हमारे औलिया उलेमाओं की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे। इसीलिए हिंदुस्तान को बचाना है, सीमांचल की नाइंसाफी का खात्मा करना है। इसीलिए आइए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, तुमसे मैं भीख मांग रहा हूं कि आओ इस नाइंसाफी के दौर का खात्मा करो और अपने अपनी जमात के उम्मीदवार, मजलिस के उम्मीदवार को पतंग के निशान पर, पतंग दगा पर कामयाब करिए।
क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं ज्यादा देर नहीं बोलना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब 3 तारीख तक यहाँ पर हूँ तो पहला इंस्टॉलमेंट हुआ, पहला इंस्टॉलमेंट बोला हूँ। बहुत बोलना है, बहुत सी बातें आपको बताना है, मगर आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि खास तौर से अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा कर दुआ भी करते रहिए कि अल्लाह हमको कामयाबी से हमकिनार करे और इज्जत के साथ अल्लाह हमको कामयाबी दे। शुक्रिया आप तमाम का, शुक्रिया। ए माँ के जने, हिम्मत है तो आ जाओ, हमको भेज दे, देखते हैं भेजने की ताकत है क्या। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजीर आजम बन के आज बैठा है तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं कहूंगा कांग्रेस है।